तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर GT5 ब्रांड न्यू गेम प्ले। सुमित पे फिर से गॉडज़िला आ गए, मजे आएंगे आज तो सही में बहुत ज्यादा। अबे सिंचन यार, आज तो एक नंबर के मजे आने वाले। सुमित पे ये इसकी मम्मी है क्या? नहीं सिंचन, सिंचन इसकी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। सुमित पे क्या हो गया इसकी मम्मी के साथ? अबे यार मिलिट्री वालों ने इसकी मम्मी को एक दिन चुपचाप घेर के उसको मार डाला था। सुमित पे मिलिट्री वाले सही बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये इसका भाई लगता है मेरे को। तो सिंचन तूने बिल्कुल सही सोचा, ये इसका भाई है। सुमित पे ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ए पापा मुझे जाने दो, मेरे को खेलने जाना है पापा। ए बेटा नहीं जाएगा। ए पापा मैं छोटा नहीं रहा, मैं 20 साल का हो चुका, मुझे जाने दो। यार सिंचन तेरे को पता है यार, माँ बाप के लिए बच्चे चाहे कितने बड़े रह जाए, वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे उनके लिए। सुमित पे सही कह रहे हो, पर ये जबरदस्ती क्यों जा रहा है यहाँ से? अब सिंचन ये पागल है यार, इसको इसके माँ बाप मना कर रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं। सुमित पे मैं भी चला जाता हूँ कहीं बाहर। हो सुमित पे तू नीचे पड़ गया, और भाई यहाँ पर गाड़ी लुका के लाया था। मैंने मेरे पापा से झूठ बोला, मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, इंसानों की गाड़ी चला के देखूंगा आज कैसी होती है। सुमित भैया तो सेमी बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, ये झूठ बोल के देखो गाड़ी चला रहा है। पापा गाड़ी ना रुक, पापा ब्रेक सुमित भैया तो पागल है, इसको तो गाड़ी चलाने भी नहीं आती, इसको ब्रेक लगाने भी नहीं आते, सही में पागल है तो बहुत बड़ा। अब सिंचन सही कह रहा है यार, सिंचन इसको ब्रेक लगाने भी नहीं आते। सुमित भैया देखो कितनी मस्त वाली ड्राइविंग कर रहा है यहाँ पर। पापा सही में मजे आ गए, इंसानों की गाड़ी चला के और गाड़ी चलाऊंगा तो मजे आएंगे। चलो पानी में चलता हूँ, पानी के अंदर देखता हूँ ये गाड़ी चलती नहीं चलती। सुमित भैया तो पागल, पानी के अंदर गाड़ी ले गया, पानी के अंदर कौन सी गाड़ी चलती है? सुमित भैया तो पानी के अंदर भी गाड़ी चला रहा है। गॉड्स यार, ये कैसा भाई गॉडज़िला है, ये गाड़ी चला रहा है, ऊपर से अगर पानी के अंदर भी चला रहा है गाइस। सुमित भैया सही कह रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सही में। ओ गाइस ये कहाँ पर जा रहा है गाड़ी को लेकर? सुमित भैया पता नहीं झूठ बोले कौवा काटे, पता नहीं उसमें ये कैसी आवाज आई थी। ओ भाई सब वो क्या, मेरे पापा पापा को पर हमला कर दिया किसी ने, मेरे भैया मैं आ रहा हूं। ओ भाई सब लगता है मेरे को यार किसी ने हमला कर दिया यार उसके ऊपर, भाई यहां से मिलिट्री का यार एयरफोर्स जा रहा है। उसमें पे मेरे को लगता है उन दोनों के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, भाई मेरे को लगता है मिलिट्री वालों ने यार इसके माँ पापा के ऊपर हमला कर दिया। उसमें पे इसकी मम्मी तो है भी नहीं, इसके भाई और इसके पापा के ऊपर हमला कर दिया लगता है मेरे को तो। सिंचन यार तू बिल्कुल सही कह रहा है यार, मेरे को भी ऐसा लगता है यार मिलिट्री वालों ने हमला कर दिया। उसमें पे इसकी गाड़ी भी यहाँ पर बंद पड़ गई। गॉडज़िला के पापा मर चुके हैं। सुमित भैया ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है भाई, इसको पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ऊपर से इतनी देर में। तो सुमित भैया ऊपर आ गया, हेलीकॉप्टर किसका है? मेरे को लगता है सिंचन ये मिलिट्री वालों का, अगर ये नहीं लुका तो यार इसको उठा ले जाएंगे, तो यार मिलिट्री वालों ने इसको नहीं देखा और ये फाइनली ऊपर आ चुके हैं। मेरे पापा को मार डाला। सुमित भैया इसके पापा को तो मिलिट्री वाले उठाकर ले गए और इसके भाई को भी। बॉयस अब यहाँ पर तू देख सकता है सिंचन कितना सारा खून है, यहाँ पर कितना सारा ब्लड है। सुमित भैया ये जरूर उसके पापा गॉडज़िला का होगा और इसके भाई का, क्योंकि उसके ऊपर मिसाइल से हमला किया गया होगा ना। सिंचन तू यार बिल्कुल सही कह रहा है यार, वो जा रहा वो हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा बुरे यार मिलिट्री वाले, तो यार ये किसी को कुछ कह भी नहीं रहे, आराम से रह रहे थे। सुमित भैया देखो वो क्या है वहाँ पर? बॉयस अब मेरे हिसाब से देख यार ये मिलिट्री वालों का है। सुमित भैया देखो नीचे जेट प्लेन भी जा रहा है, वो जा रहा है जेट प्लेन। ये मिलिट्री वालों का काम है, मिलिट्री वालों ने मेरी मम्मी को भी मुझसे छीन लिया, मेरे पापा और मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया, ये उनकी वो चीज है जिनसे उन्होंने मेरे पापा के ऊपर हमला किया है। तो गाइस यहाँ पर भाई छोटू गॉडज़िला को ये नहीं पता है असल में ये एक मिसाइल टैंक है, इससे यार बहुत सारी मिसाइल इसके अंदर है और ये तो बहुत खतरनाक वाली मिसाइल है, इससे इसके पापा के ऊपर हमला किया गया है और इसके पापा और इसके भाई को मार डाला है। सुमित भैया अब कैसे बदला लेके अपने भाई और अपने पापा का? सिंचन यार मैं तो इसके साथ हूँ गाइस, अगर आप लोग भी इसके साथ होते यार जल्दी से यार गॉडज़िला द सुपर पावर लिख दो नीचे। उसमें वैसे ही कह रहे हो बहुत ज्यादा बुरा हुआ गॉडज़िला के साथ। भाई साहब यार यहाँ पर देख सिंचन कितना ज्यादा खून ही खून है यार, सिंचन ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ यार गॉडज़िला के साथ। मैं मेरे पापा का बदला जरूर लूंगा तुम लोगों से। उसमें बारिश शुरू हो गई यहाँ पर तो, और सारा खून बह बह के जा रहा है यहाँ से। मेरे पापा का बदला, मेरे पापा को तुम लोगों ने मार डाला, मेरी मम्मी को तुमने मेरे लोगों से छीन लिया, मेरे भाई को तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया, तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पापा का बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा। सुमित भैया मुझको भी रोना आ रहा है सही में, बहुत ज्यादा बुरा हो गया। तो गाइस आज का कोड 8369 जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसको दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट। तो गाइस यहां पर भाई जो गॉडज़िला आ चुका है, छोटू गॉडज़िला आ चुका है भाई मिलिट्री बेस के अंदर, और ये छुपते छुपाते आया है क्योंकि मिलिट्री बेस के अंदर भाई साहब तुम लोग देख सकते।
पापा मैं आ रहा हूँ, पापा पापा मैं आ रहा हूँ। उसी मिनट अगर मिलिट्री बेस वाले ने इसको पकड़ लिया तो सिंचन देख अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए कोई भी बॉडीगार्ड बाहर तो खड़ा होएगा नहीं, इसलिए यार ये मौका है गोडजिला के पास अपने पापा और उसके भाई को छुड़ाने का। उसी मिनट ये तो ऊपर भी चढ़ जाता है, ये तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वाला गोडजिला है। सही में भाई साहब यहाँ पर भाई गोडजिला जा रहा हूँ, भाई साहब तुम लोग देख सकते हो ये रहे वो टैंक्स और भाई जो वहाँ पर पैंजर खड़े थे जिससे यार उसके पापा और उसके भाई के ऊपर हमला हुआ था और भाई हेलीकॉप्टर वहीं पर है। उसी मिनट भैया गोडजिला का साथ दो, गोडजिला ऊपर चला गया तो मेरे हिसाब से यार गोडजिला को पता लग चुका है क्योंकि यार ये सारी चीजें इस बिल्डिंग के आगे खड़ी है, तो इसके पापा और उसका भाई जरूर इस बिल्डिंग के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर भाई बिल्डिंग के ऊपर आ चुका है, यहाँ पर देख सिंचन ये रही वो सारी थे, वो जेट प्लेन रहा वहां से गया था और इतने सारे हेलीकॉप्टर भाई वो मिसाइल के टैंक्स रहे वहां पर सारे के सारे। सुमित भाई इसको अंदर लेके चलो जल्दी। वो तो गाइस यहाँ पर गोडजिला अंदर आ चुका है। सुमित भाई ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है इसके साथ सिंचन, सही में यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा। मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई और मेरे पापा को तुम लोगों ने मार डाला, उन लोगों की हड्डियां निकाल ली तुम लोगों ने। ओ गाइस सिंचन यार उसको तो पूरा जला दिया, उसकी हड्डियां निकाल ली है, यहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। सुमित भैया सही में यहाँ पर भाई गोडजिला बाहर आ चुका है। मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे भाई को मार डाला इन लोगों ने, बहुत ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। उसमें भाई ये क्या हो गया, इसके ऊपर तो बिजली गिर गई, सिंचन ये भी मर गया लगता है मेरे। तो गाइस अब 90 साल बाद यहाँ पर इतने सारे पत्थर जम चुके हैं और यहाँ पर पता नहीं हर दिन कुछ ना कुछ हरकतें होती है, हर दिन नए नए वेदर्स आते हैं, नई नई चीजें होती है, मौसम बदले, साल बदले, जगह बदली, पहचान बदली और यार हमारे गोडजिला को पता नहीं क्या हो रहा है। पर जहाँ पर ये सोया था, जहाँ पर ये मरा था उस पर बहुत सुमित भाई ये क्या हो गया। तो गाइस यहाँ पर 100 साल बाद हमारा गोडजिला एक आत्मा गोडजिला, क्योंकि सिंचन ये शक्तियाँ उन लोगों को मिलती है जिनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख पाया गया हो। सुमित भाई सही कह रहे हो, इसकी आत्मा को तो पहले कम दुख था, क्या इसके पापा इसकी मम्मी और इसके भाई को मिलिट्री बेस वालों ने मार डाला, उन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। तो यहाँ पर भाई हमारा जो भाई गोडजिला है वो अपना बदला लेने के लिए आ चुका है मिलिट्री बेस के अंदर और यार यहीं आती उसने वो जगह तबाह कर दी है जहाँ पर उसके भाई और उसके पापा की लाश पड़ी थी, मतलब उसकी हड्डियाँ पड़ी थी। गाइस ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है मेरे को यहाँ पर। उसमें भाई ये तो पूरी मिलिट्री बेस को तबाह कर देगा सही में। उसमें भाई देखो इसका शरीर देखो कितना ज़्यादा खतरनाक है। गाइस आप लोग देख सकते हो बाकी गोडजिला से इसका शरीर कितना ज़्यादा अलग है और गाइस इसका देख सकते हो पूरा शरीर पिंक कलर में है और गाइस इसके मुँह से लेजर निकलती है और गाइस इसकी पूँछ बाकी गोडजिला से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। उसमें भाई ये कौन आ गया, सिंचन मैं समझ गया आखिर गोडजिला के पापा को और उसके भाई को क्यों मारा गया था और उसकी मम्मा को। उसमें भाई क्यों मारा गया था, क्योंकि सिंचन इससे गोडजिला के ब्लड के सैंपल लेके इन्होंने इतनी खतरनाक विशाल मॉन्स्टर बनाया है जिससे यार ये गोडजिला क्या गोडजिला की पूरी प्रजाति को खत्म कर सकते हैं। उसमें भी ये तो मर गया थी, कैसे जिंदा हो गया भाई सिंचन, जो कितनी ऊंची जंप मारते भाई, इतनी ऊंची जंप तो हमारे गोडजिला भी नहीं मार सकते। उसमें भी सही कह रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सही भी भाई सब। सिंचन तुम देख सकते हो यार कितना ज्यादा ही ज्यादा पावरफुल है यार ये ग्रीन कलर का मॉन्स्टर, ये इंसानों ने बनाया गाइस जिससे ये गोडजिला को मार सके। पर इन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे गोडजिला को मिली है, हमारे गोडजिला को साथ साथ भगवान से शक्ति मिली है बिजली गेर के और गाइस ये बन चुका है आत्मा गोडजिला। उसमें भाई फाइनली इसने इस आदमी को मार डाला। अभी सिंचन अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी तो यार हमने मार दिया है जिससे यार और कोई सैंपल ना बचे और कोई मॉन्स्टर ये ना बना पाए गोडजिला के खून से, तो हमने इसको यहाँ पर मार डाला है, मतलब गोडजिला ने मार डाला है। मेरी मम्मी पापा का खून मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम लोगों ने मेरे मम्मी पापा का इस्तेमाल करके कितने खतरनाक जानवर बनाए हैं। उसमें भाई ये तो इसको भी तबाह कर देगा मेरे हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर भाई गोडजिला ने अपने भाई की हड्डियों को बाहर निकाल लिया क्योंकि यार इसे पापा की हड्डियों को इन लोगों ने उपयोग करके एक जाइंट मॉन्स्टर बनाया। तो यहाँ पर भाई जो हमारा गोडजिला है ना वो अपने भाई की हड्डियों को जला रहा है जिससे यार ये और कोई दानव ना बना सके, कोई और कोई मॉन्स्टर ना बना सके। और गाइस यहाँ पर भाई गोडजिला ने अपने भाई की हड्डियों को जला दिया है और गाइस ये और भी ज़्यादा तबाही मचा रहा है और गाइस यहाँ पर ये पूरे मिलिट्री बेस को तबाह कर देगा जिससे यार यहाँ पर और कोई एक्सपेरिमेंट ना हो सके और ना ही मिलिट्री बेस वाले और कोई गोडजिला को मार सके। उसमें भैया गोडजिला की जय हुई, विजय हुई गोडजिला की। तो गाइस यहाँ पर अभी इसकी विजय नहीं हुई है, अभी हमें अपनी सबसे स्पेशल पावर यूज करना है। तो गाइस यहाँ पर गोडजिला देख सकते हो बहुत ज्यादा गुस्से में है और गाइस यहाँ पर ये अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हो गाइस देख सकते हो। ओ गाइस ये तो रेड कलर में चेंज हो चुका है जैसे आप लोग देख सकते हो। गाइस यहाँ पर भाई इसने पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है, आप लोग देख सकते हो हर जगह इसने
आग लगा दी है। तो गाइस यहाँ से हमारा गॉडज़िला जा रहा है क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका है। उसने अपने पापा और अपने भाई और अपनी मरी हुई मम्मी का बदला ले लिया है, जो उसकी मम्मी कई सालों पहले मरी थी। उसमें आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस यार फाइनली हमने अपना बदला ले लिया और गॉडज़िला जा रहा है वापस पानी के अंदर, जिससे वो और भी ज्यादा शक्तियां ले सके और इस धरती को और भी ज्यादा विशाल दानवों से बचा सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। We're just getting started, I know that you want it, baby just get on it, ready to go, we know how to party, pull up the book.